उसने खेल खेल में ही कैलाश पर्वत उठा लिया। एक बार रावण गया कैलाश पर्वत, उसने सोचा गुरु जी को प्रणाम कर ले। रावण के गुरु जी कौन है? शंकर जी। अच्छा शंकर जी भी कितने विचित्र हैं, इनने चेला भी बनाओ तो 10 मूड़ वाले। किसी से शंकर जी ने कहा कि देखो तो तुम्हारा चेला भगवान राम की बुराई कर रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? समझा? शंकर जी बोले क्या समझाए, हम अगर उसे समझाते हैं तो वो हमें देख के हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले इसलिए हंसने लगता है कि वो कहने लगता गुरु जी इधर देखो। लोग बोले मतलब? शंकर जी बोले जैसे ही हमें देखता है सो ही अपने मुख की तरफ इशारा करने लगता, गुरु जी तुम्हारे तो पांच ही मुख है, थे तो दस दस है। अब बताओ उन्हें क्या समझाए। अच्छा ऐसे लोगों को भला समझा भी कोई नहीं सकता है। आज हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे, बोले गुरु जी आपके विरोध में जो लोग हैं तो मंत्र ऐसा मारो कि उनकी बुद्धि सुधर जाए। हमने कहा भैया हनुमान जी रावण समझा उतरा, जब रावण नहीं बिना मरे सुधरो हमका सुधार। बोलो सीताराम, बोलो अब बताओ हनुमान जी। हनुमान जी साधारण थोड़ी है, रावण समझा उतरे मान जा भगवान आए, लेकिन जब लो बाननी खाग और टबकनी गवा, रावण मानो क्या? बोलो तो हमारी मानेगा क्या कोई है? कौन मानेगा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो शंकर जी बोले हमारा चेला ही विचित्र है। बोले क्यों? बोले हमें देख के कहने लगता है इधर देखो। अच्छा एक संत एक व्यक्ति बोला क्यों गुरु जी? रावण के 10 सिर थे। एक संत बोले हमने तो देखे नहीं है, अब देखे होते तो बताते 10 सिर, लेकिन हमने सुना तो है दशानन। दशानन का मतलब ही होता 10 आनन, जिसके 10 मुख हों। तो एक व्यक्ति बोला गुरु जी अगर उसके 10 मुख होंगे तो वो सोता कैसे होगा? हमने कहा मतलब? बोले गुरु जी अगर वो सोता होगा और मान लो अगर करवट बदल ले तो वे मुख, अब स्प्रिंग थोड़ी है कि मुड़ जाए। तो हमने कहा कि भाई दो उपाय हैं, जिसके 10 मुख हैं उसको अगर करवट बदलना है तो पहले उसे खड़ा होना पड़ेगा फिर उल्टा लेटना पड़ेगा, और दूसरा जिसके ज्यादा मुख होते हैं वो ना सोता है ना सोने देता है। एक बार रावण कैलाश पर्वत गया, कैलाश पर्वत उसने सोचा गुरुजी को प्रणाम कर ले। अच्छा प्रणाम कैसे करें? उसने लिया सो कैलाश पर्वत ही उठा लिया और लगो ऊपर नीचे कर गए। अच्छा विचार करो पर्वत के ऊपर जो बैठे उनकी का दुर्दशा हो, ऊपर शंकर जी और पार्वती जी लगी हलवे। पार्वती जी बोली हुजूर ये है क्या? शंकर जी बोले चेला आया है हमारा। पार्वती जी बोली कर क्या रहा है? प्रणाम कर रहा है। बोले आखिर ये कौन सा चेला है? शंकर जी बोले रावण। पार्वती जी बोली बड़ो गजब को चेला है, एकदम हल रहे। शंकर जी बोले अब चेला ही ऊंचे लेवल का है, रावण जैसा चेला बनाएंगे तो वो तो हिलाएगा ही हिलाएगा। अब जब शंकर जी ने ऊपर से इशारा करो कि भैया कहा कर रहे, रावण बोलो गुरु जी प्रणाम कर रहे। तो शंकर जी ने कहा भाई ऐसे कोई प्रणाम करता है? प्रणाम चरणों में करते हैं। तो रावण भी कितना बुद्धिमान है, रावण से जीत कौन सकता? रावण बोला ये एक बात बताओ गुरु जी आप बैठे किस पे हो? बोले कैलाश पर्वत पे। तो शंकर जी से रावण कहता है चरण तुम्हारे कहां रखे? बोले कैलाश पर्वत में। तो बोले हमने सीधा पर्वत ही उठा लो, कहा कर लो गलत बताओ आप। कितना अद्भुत आदमी। तो बंदी जन कहते हैं सुनो रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गबहिं सिधारे, देखी सरासन गबहिं सिधारे। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम।